साझेदार है जो तीन अनुपात दो में लाभानि विभाजित करते हैं। दो साझेदार है सुलभ और सौरभ, है ना। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में एक बटे छः भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जो किसका है सुभाष के कितना है, एक बटे छः भाग है, ठीक है। ख्याति के लिए 5400 नगद लाता है, ख्याति के लिए 5400 नगद लाता है। निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। दो दशाएं दे रखी है, मैंने कहा है कि जब ख्याति की राशि नगद आता है तो उसकी दो इंद्रियां बनानी है। नगद आता है कितनी इंद्रिया बनाना है, दो इंद्रिया बनाना है, मैंने पहले भी कहा भाई आपको। और अगर कोई साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता वो एक इंद्रिया बनाता है, या कोई साझेदार ख्याति निकाल लेता है तो उसके लिए एक इंद्रिया बनती है। लेकिन यहाँ पर ख्याति की राशि क्या कर रहा है, नगद आ रहा है 5400, है ना। और आपको कंडीशन दो दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहली दे रखी है कि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है ना। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी। चाहो कि इस क्वेश्चन में इकट्ठे एक साथ कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन सबसे पहली दे रही है इसका प्रारूप नहीं है, प्रीमियम खाता।
हैप्पी के लिए, हैप्पी के लिए प्रीमियम था, लेट भी बनती है प्रीमियम था, हैप्पी के लिए प्रीमियम था। कितनी नगद आ रहा है? 5000 चार सौ घर के लिए, 5400 5400 डेबिट में भी और 5400 क्रेडिट में भी। ठीक है, मेरे से क्या लिखते हैं, कौन पार्टनर है यहाँ पर ख्याति लाया हुआ है, उसका नाम सुभाष। यहाँ क्या है, सुभाष, सुभाष ख्याति की राशि, ख्याति की राशि नगद लाए, नगद लाए। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री क्या बनाते हैं आप, उसकी ठीक उल्टी, पहले इधर देख लो आप, ठीक इसको उल्टी बनाते हैं। ख्याति के प्रीमियम खाते क्या करते हो आप, ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट हुए प्रति किसमें बांटते हैं ख्याति को, जो पुराने साझेदार है कौन है, सुलभ, सुलभ का पूंजी खाता, और एक कौन है प्रति सौरभ का पूंजी खाता। सुलभ का पूंजी खाता, प्रति सौरभ का पूंजी खाता। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या कहा देखना, आपको अलग अलग दो पॉइंट दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दे रहा है, सेकंड पॉइंट दे रहा है, किसमें बांटना है आपको स्पष्ट कहा गया देखना है ना, पुराने अनुपात में नहीं बांटना, जब कहा गया उसके अनुसार अनुपात में आपको बांटना है। यहाँ कहा गया है यदि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से, सुलभ से कितना लेगा 2/3 भाग, और उससे सौरभ से 1/3 भाग, इसमें आपको बांटना है 2/3 भाग में और 1/3 भाग, किसको 5400 जो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता था, ये 5400 में डेबिट की और इसे आपको बांटना है 2/3 भाग में और 1/3 भाग। अब 5400 को आपने सबसे पहले अपन किसका निकाला, किसका सुलभ का, ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको ना, सुलभ पहले सुलभ का निकाल रहे हैं, सुलभ कितना 5400 दे रखा, पहले देख लो बेटा बहुत काम की चीज़ें बाद में, 5400 ये ख्याति के प्रीमियम का, सुलभ का हिस्सा कितना है 2/3 गुणित 2/3, ठीक है 3 से आपने भाग दिया इसमें भाग दोगे तो ये 3 एक बार गया, ठीक है यहाँ 2 बचा 24 हो गए, 2×2=24 कितना आया 1800 × 2 ठीक 3600 किसको मिल जाएंगे सुलभ, सुलभ को मिले 36, इसी प्रकार किसका निकालेंगे सौरभ का, यहाँ सौरभ का निकाल सौरभ, सौरभ का भाग कितना है 1/3 है, तो 5400 × 1/3 ठीक है, वही वापस से आपने भाग दिया 3×1=3 दो बचे 2×2=0 1800 × 1 किसको मिल जाएंगे सौरभ, तो सुलभ के इसमें लिख दीजिए आप 3600 रुपये, 3600 इसको मिलेंगे 3600, 1800 रुपये किसको मिल जाएंगे कुल मिला के 1400 रुपये टोटल हो जाएगा 1400। वेरिएशन लिखेंगे इसका, वेरिएशन कैसे कीजिए बात, सुभाष क्या थी राशि नगर का है तीन, याद करना है आपको यहाँ पर क्या किया आपने, क्या किया ख्याति की राशि ए और बी में क्या अनुपात में क्रेडिट की, ख्याति
ख्याति की राशि क्या जैसा लिख दो, ख्याति की राशि क्या अनुपात में क्रेडिट, क्या अनुपात में क्रेडिट। ये तो फर्स्ट इंपे हो, ये ख्याति को नजर आता है तो दो इंपे होती है, दो इंपे हमने बनाई, लेकिन आपके पास दो पॉइंट दे रखे, इधर ध्यान देना, दो पॉइंट दे रखे आपके पास में, है ना। एक पॉइंट पर आपने आपका क्लियर हो, सेकंड पॉइंट आपका क्या दे रखा है उसको देखना है, सेकंड पॉइंट का क्या दे रखा आपको, सेकंड पॉइंट नीचे देखो, फिर से सेकंड पॉइंट दे रखा आपको, यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से 5:4 में लेता है, सुलभ और सौरभ से कितने लेता है 5:4 में लेता है, ये सेकंड पॉइंट दे रखा, 5:4 लेता है सुलभ और सौरभ से। अगर आप फिर से डबल से इंट्री नहीं बनाना है, यही इंट्री, ये तो फर्स्ट इंट्री हो गई आपकी, सेकंड इंट्री यहाँ पर आपकी, ठीक है, दूसरी वापस से वही जैसे मतलब सेम लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट प्रति, किसमें बांटना है सुलभ और सौरभ, यानी कि प्रति सुलभ का पूंजी खाता का पूंजी खाता प्रति सुलभ का पूंजी खाता प्रति सौरभ का पूंजी खाता, किसका सौरभ का पूंजी खाता। प्रीमियम के लिए ख्याति 5,400 है आपके पास में, 5,400, ठीक है। अब किसको निकालना है, सुलभ और सौरभ की निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर 5:4 दे रखा है, कितना दे रखा है 5:4, सबसे पहले सुलभ का निकालते हैं, यहाँ मान लो सुलभ का निकाला, यहाँ पर निकालते सुलभ का, किसका निकाला पहले सुलभ और फिर किसका सौरभ, सबसे पहले सुलभ का निकाला, 5,400 में निकाला है, 5,400 ये 5,400 भाग दीजिए कितना है, 5 है सुलभ का, 4 है सौरभ का, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 9, उसका टोटल 5/9 हो जाएगा, गुणी 5/9, यहाँ पर 5,400 का हो जाएगा 4/9, तो मैं 9 से आपने भाग दिया, 9 6 6 आ गया, 600 × 5 मतलब 6 × 3 मिल जाएंगे सुलभ, 3,300 मिले सुलभ को। इसी प्रकार सौरभ का निकला, 6 × 9 = 54, 600 × 4 24 टोटल कितना है 5,400, मेरे से वही लिखना है, ख्याति की राशि क्या अनुपात में क्रेडिट, लिख दीजिए ख्याति की राशि क्या अनुपात में क्रेडिट, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, एंट्री इसको बंद कर दीजिए आप, ठीक है। ये था क्वेश्चन, आप स्टेप सोल्व करना है, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं,
इसको उतार रहे तो ये तो नहीं उतारना है ना। वो कैलकुलेशन ऐसे ही करते उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 को होमवर्क नहीं दिया है मैंने ना, अगले चैप्टर का साई गाय का प्रवेश नहीं दिया है ना, है ना, वहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। साझेदार का प्रवेश अगला चैप्टर आपका, देखिए दोनों चैप्टर इकट्ठे पढ़ते हैं, दोनों चैप्टर के विद्यालय एंट्री बराबर सेम देती है ना। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 था पुरानी बुक ऑफ और चैप्टर है साझेदार का प्रवेश, क्या है साझेदार, साझेदार का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश, ये चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में इसकी क्या है, उदाहरण नंबर 15 व 16, उदाहरण नंबर 16, ये दो क्वेश्चन है होमवर्क जो जनरल इंग्लिश के, चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक बार देख लो अपनी बुक में। पहला क्वेश्चन है आपका ए बी एक फर्म में क्रमशः 3-2 के अनुपात में साझेदार है, वे सी को 1 जनवरी 2018 में फर्म में 1/6 भाग में साझेदार बनाते हैं, सी प्रीमियम के 2000 रुपये नकद लाता है, 2000 नकद लाना, दो एंट्री बनाना है आपको, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है नकद। आगे आपको कहा गया है ए तथा बी आपका परस्पर अनुपात पूर्व रखने का निर्णय करते हैं, उनका परस्पर अनुपात कायम बटोगे पूर्वत रखते हैं मतलब पुराने अनुपात 3-2 में बांटना, जैसे यहाँ पर बांटा ना अपने 3-2 में वहाँ पर बांटना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 3-2-1 के अनुपात में साझेदार है, वे 1 जनवरी 2018 से सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, सी अपने ब्याज के प्रीमियम के लिए 1500 लाता है, ये भी नकद लाता है तथा अपना भाग ए और बी समान रूप से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर समान रूप से प्राप्त करते हैं, एक बार ध्यान रखना ए और बी समान रूप से प्राप्त करते हैं, समान रूप का उसका 2.1 दिया है, या समान रूप क्या होगा, समान हो बराबर हो, बराबर का मतलब क्या, 1:1 में बांटना है इसको, 16 क्वेश्चन को 1:1 जैसे यहाँ पर बांटा 16 को या 16 में 1:1 में बांटना, जो कहा है उसमें बांटना, ठीक है। एग्जाम्पल 15 और 16, ओके इसके बाद जैसे आते हैं आज हम निकाल देना तीन तीन हजार Thank you.
उतारो पूरा।